नमस्कार, मैं महागुरु गौरव मित्तल। होली के पश्चात एक सप्ताह ऑलमोस्ट बीत गया है। आशा करता हूँ आप सबने होली को काफ़ी एंजॉय किया होगा। आप सभी की होली सेफ होली रही होगी। अगले वीक में नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं। जानते हैं, समझते हैं आने वाला सप्ताह सभी डिफरेंट राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। सब प्रथम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, शुभ्रतन है मुंगा, शुभ दाश है तीन मुखी रुदाश, शुभ दिशा है दक्षिण की दिशा। यह सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा कठिन होगा। आपको कठिनाइयाँ थोड़ी विचलित कर सकती हैं। आपका आत्मविश्वास भी थोड़ा कम होता दिखाई देगा। आप अपनी ताकत को किसी अच्छे व उद्देश्यपूर्ण कार्य में लगाने का प्रयास करें। यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए आगे की योजना बनाने के लिए शुभ है। नतीजों की चिंता किए बिना आप मेहनत करें तो कामयाबी आपके साथ होगी। शादीशुदा जोड़े प्रेमी युगल को वैवाहिक अथवा प्रेम जीवन में रोमांच से भरपूर पलों का आनंद मिलेगा। सप्ताह सेहत के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, शुभ रत्न है हीरा, शुभ रुद्राक्ष है छह मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व की दिशा। इस सप्ताह सफलता इस राशि के जातकों के सफलता कदम चूमेगी। व्यापारिक भागदौड़ हालांकि बढ़ सकती है। आर्थिक पक्ष से यह सप्ताह मजबूत रहेगा। कारोबार में आपको बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। शेयर बाजार में आपको मुनाफा मिल सकता है। आपको अपने व्यवहार को सकारात्मक रखना है। विद्यार्थियों के लिए समय आगे की योजना बनाने के लिए काफ़ी अच्छा समय है। स्वास्थ्य इस वीक में आपका अच्छा रहेगा। वाहन चलाते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लव लाइफ में जिस तरीके की आप लव लाइफ की कामना करते हैं वो इस सप्ताह आपको डेफिनेटली मिलेगी। अविवाहितों के लिए भी इस सप्ताह में नए रिश्ते आ सकते हैं। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। इस वीक में परिवार में किसी सदस्य अनबन होने की प्रबल संभावना है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, शुभ रत्न है पन्ना, शुभ दाश है चार मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर की दिशा। इस सप्ताह भाग्य पूरी तरीके से इस राशि के जातकों के साथ होगा। सफलता आसानी से प्राप्त होगी। व्यापार में यदि आप कोई नई संभावनाएं तलाश रहे हैं तो इस वीक में आप तलाश सकते हैं। रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। शेयर मार्केट में इस सप्ताह में निवेश करना आपके लिए शुभकारी हो सकता है। छात्रों को इस वीक में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एकाग्रता बनाए रखना है। पारिवारिक स्तर पर आपको खुशियाँ, हर तरीके की खुशियाँ हासिल होंगी। घर में सभी परिवार के सदस्यों में सामंजस्य बना रहेगा। आप उनके साथ अच्छा टाइम व्यतीत करेंगे। घूमने फिरने का प्लान, बाहर कहीं जाने का प्लान बना सकते हैं। थोड़ी सी स्वास्थ्य में गिरावट आने की आपकी आशंका है इस सप्ताह में। आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है। पुराने दोस्तों से भी मुलाकात होने की इस वीक में प्रबल संभावना है। हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, शुभ रत्न है मोती, शुभ रुद्राक्ष है दो मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम की दिशा। इस सप्ताह इस राशि के जातक जो भी काम करेंगे उसमें आपको लाभदायक परिणाम डेफिनेटली प्राप्त होंगे। आप अपने आर्थिक व कैरियर संबंधी जीवन से रिलेटेड कुछ योजनाओं को रूप और अंजाम देंगे। प्रमोशन, अच्छी जॉब, वेतन की बढ़ोतरी के भी इस वीक में योग मिल रहे हैं। मान सम्मान में डेफिनेटली वृद्धि होगी। इस सप्ताह विद्यार्थियों को थोड़ा सा अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। एकाग्रता बनाए रखना है। प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा साबित होगा। परिवार में थोड़ा सा विवाद होने की संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर आप किसी भी तरीके की कोई कोताही या लापरवाही ना बरतें। गाड़ी चलाते समय आपको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य, शुभ रत्न है माणिक, शुभ रुद्राक्ष एक मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है पूर्व की दिशा। इस सप्ताह भाग्य इस राशि के जातकों के साथ है। आपकी दृढ़ कल्पना शक्ति विशेष आपको स्पेशल परिणाम डेफिनेटली दिलाएंगे। कारोबार में वृद्धि की प्रबल संभावना है। नौकरी पेशा लोग अधिक कार्य के चलते थोड़े व्यस्त ज़्यादा रहेंगे, परंतु आर्थिक उन्नति के प्रबल योग हैं। छात्रों को इस वीक में पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान लगेगा, परंतु यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। यही एक सिद्धांत आपको लाइफ में आगे बढ़ा सकता है, तो इस वीक में आपको इस सिद्धांत को पूर्णता से पालन करना है। लव लाइफ
शादीशुदा जोड़ों की लव लाइफ इस सप्ताह में भरपूर रोमांस से भरपूर रहेगी। आप काफ़ी ज़्यादा पूरे सप्ताह रोमांटिक बने रहेंगे। परिवार में आप अच्छे पल बिताने वाले हैं। आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। सेहत को लेकर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती हैं, परंतु उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट कहीं नहीं दिखाई देता है। हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, शुभ्रता ने पन्ना, शुभ दाश चार मुख्य रुद्राश, शुभ दिशा है उत्तर की दिशा। इस सप्ताह भाग्य इस राशि के जातकों के साथ है। किसी नए व्यापार या निवेश यदि आप करना चाहते हैं तो यह एक समय अनुकूल समय है। आपको अचानक से कहीं से लाभ मिल सकता है या कोई पुराना रुका हुआ पैसा आपको या कोई भी वस्तु आपको वापसी मिल सकती है। छात्रों के लिए भी यह सप्ताह एक बेहतरीन सप्ताह होगा। पढ़ते समय एकाग्रता बनाए रखें। शादीशुदा लोगों की लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी। यदि पुराने कभी कोई डिस्प्यूट्स या डिस्क्रिपेंसीज हैं, आप इस वीक में उन चीज़ों को सुधार सकते हैं। आप अपने परिवारजनों के साथ भी एक अच्छा टाइम बिताएंगे। पारिवारिक संबंधों में प्रागृता आएगी। स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। आपको अपना ख्याल रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र, शुभ रत्न है हीरा, शुभ दाश छह मुख्य रुद्राश, शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व की दिशा। इस सप्ताह इस राशि के जातकों पर काम का थोड़ा सा बोझ ज़्यादा रहेगा, परंतु कार्यक्षेत्र में लाभ मिलने से मन प्रसन्नचित रहेगा। आमदनी में वृद्धि के प्रबल योग हैं। कार्यस्थल पर प्रमोशन और प्रशंसा मिलने के भी प्रबल आसार हैं। शेयर मार्केट में इस सप्ताह में निवेश करना शुभकारी हो सकता है। छात्रों के लिए भी यह सप्ताह एक बेहतरीन सप्ताह होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए समय अनुकूल है। कामयाबी आपके साथ रहेगी। निजी जीवन, दाम्पत्य एवं लव लाइफ में जीवन साथी से मधुरता रहेगी। आप रोमांस का आनंद ले सकेंगे। पारिवारिक स्तर पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी सदस्य की तबीयत अचानक से ख़राब हो सकती है। इस वीक में आपको अपने पुराने दोस्तों से मिलने की भी प्रबल संभावना है। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल, शुभ रत्न है मूंगा, शुभ रुद्राक्ष है तीन मुख्य रुद्राश, शुभ दिशा है दक्षिण की दिशा। इस सप्ताह भाग्य इस राशि के जातकों के साथ है। धन संबंधी मामलों में आपको यह सप्ताह काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। नौकरी में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सप्ताह छात्रों के लिए भी एक बेहतरीन सप्ताह साबित होगा। मेहनत का फल मिलेगा। कामयाबी इस वीक में आपके साथ रहेगी। निजी जीवन, दाम्पत्य और लव लाइफ में जीवन साथी से रिश्ते मधुर होंगे। परिवार का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य पूर्ण तरह से ठीक रहेगा। आपका घर में मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य का कोई आयोजन भी हो सकता है। किसी मेहमान के भी आने की प्रबल संभावना है। आपको वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे धनुराशि के बारे में। धनुराशि के स्वामी हैं गुरु, शुभ रत्न है पुखराज, शुभ रुद्राक्ष है पांच मुख्य रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर की दिशा। इस सप्ताह भाग्य इस राशि के जातकों के साथ है। कारोबार में बढ़ोतरी होगी। आपको अपने खर्चे, गुस्से और आवेश पर नियंत्रण रखना है। किसी भी व्यक्ति से आप व्यर्थ के विवाद से बचें, संयम बनाए रखें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पति पत्नी के जो रिश्ते हैं, यदि आप शादीशुदा हैं तो संबंध मधुर रहेंगे। आप पूरे सप्ताह रोमांटिक मूड में रहेंगे। यदि कोई पुराने मतभेद हैं तो इस वीक में आप सुलझा सकते हैं। आपके पारिवारिक संबंधों में प्रागृता आएगी। आपका ध्यान कोई धार्मिक कार्यों की तरफ ज़्यादा आप आकर्षित होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह आपके लिए नॉर्मल सप्ताह रहेगा। यदि आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं या कोई धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं तो इस वीक में आप कर सकते हैं। इस सप्ताह में किसी मेहमान के भी आने की प्रबल संभावना है। हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के स्वामी शनि, शुभ रत्न नीलम, शुभ दाश सात मुख्य रुद्राश, शुभ दिशा है पश्चिम की दिशा। इस सप्ताह इस राशि के जातक व्यस्त रहेंगे। कार्यक्षेत्र में व्यस्त रहने के बाद भी अधिकारियों द्वारा आपको प्रशंसा मिलेगी। वित्तीय मामलों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आपकी कार्य क्षमता को लोग सहारेंगे। विद्यार्थियों को अगर प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना है इस वीक में तो ये समय एक अनुकूल समय है। जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा इस वीक में देंगे उसमें आपको सफलता मिलने के प्रबल आसार हैं। इस सप्ताह लव लाइफ आपकी रोमांस से भरपूर रहेगी।
पूरे वीक आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। आपको यदि अपने किसी को प्यार का इजहार करना है तो ये समय एक अच्छा समय है जिसमें आप अपने साथी को प्यार का इजहार कर सकते हैं। सेहत आपकी ताजगी से परिपूर्ण रहेगी। यदि कोई पुरानी बीमारी चली आ रही है तो इस वीक में आपको उससे निजात मिलेगा। अध्यात्म के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के स्वामी शनि, शुभ रत्न है नीलम, शुभ रुद्राक्ष है सातमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है पश्चिम की दिशा। इस सप्ताह सितारे इस राशि के जातकों के साथ नहीं हैं। आप चुनौतियों को लेकर थोड़े परेशान दिखाई देंगे। जेब से पैसे का प्रवाह अधिक हो सकता है, परंतु प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों के ट्रांजैक्शन में आपको लाभ मिलेगा। छात्रों के लिए समय मेहनत करने का है, मेहनत करेंगे तो कामयाबी डेफिनेटली हासिल होगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य को लेकर आपको बेपरवाह बिल्कुल भी ना बने। घर परिवार में किसी मांगलिक कार्य के होने की इस वीक में प्रबल संभावना है। यदि आपको तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थल पर जाना है इस वीक में तो आप प्लान कर सकते हैं। हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के स्वामी हैं गुरु, शुभ रत्न है पुखराज, शुभ रुद्राक्ष है पांचमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर पूर्व की दिशा। इस सप्ताह यह सप्ताह इस राशि के जातकों के लिए काफ़ी अनुकूल है। कारोबार में भी काफ़ी इजाफा होने की प्रबल संभावना है। ऑफिस में आपके सहकर्मी और सीनियर्स आपके कार्य से खुश रहेंगे। सप्ताह भागदौड़ भरा रहेगा। छात्रों को इस वीक में आसानी से सफलता प्राप्त होगी। परीक्षा के नतीजे, यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं तो उनके नतीजे आपके पक्ष में होने की प्रबल संभावना है। पूर्ण सप्ताह आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। परिवार से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। इस वीक में आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ ज़्यादा झुकेगा। मैं महागुरु गौरव मित्तल आपको आने वाले सप्ताह आपके लिए अच्छा रहे, शुभ रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।